केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर में दिशा मीटिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं अनुराग ठाकुर ने बताया कि वर्ष की अंतिम तिमाही का समय है, जिसके तहत विभागों को तय सीमा के अंतर्गत अपने निर्धारित टारगेट को पूरा करना है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो हिमाचल की जनता से गारंटियां देने का वादा किया, वह गारंटी पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई है। बिजली पानी पर दी गई ग्रंथियां भी कांग्रेस सरकार के हिमाचल में पूरी तरह से फेल हुई है। देखिए, सभी विभागों से, क्योंकि अंतिम तिमाही का ये समय आया है, जब जनवरी फरवरी मार्च में ये 3 महीने ऐसे मिलते हैं कि आपको अपने टारगेट को पूरा करना है। तो जहाँ तक हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज है, वो काफ़ी विलंब चल रहा है, उसमें और गति देने की और उसको जल्द पूरा करने की बात कही। आईपीएच विभाग द्वारा वहाँ पिछले एक साल से पानी की व्यवस्था नहीं की गई, उनको कहा गया जल्दी करें। इसी तरह से ही जो सड़क हमीरपुर से धर्मपुर मंडी की बन रही है, उसमें गुणवत्ता में सुधार और उसको जल्द उस दिशा में ले जाने के लिए कि यहाँ पे स्थानीय नागरिकों को कोई दिक्कत ना हो, जितनी जगह पे ब्लैक टॉप किया जा सकता है उसको पहले करें और बाकी काम को भी पूरा करें। जो प्रोजेक्ट विलंब चल रहे हैं उसमें और गति दी जाए और केंद्र की योजनाओं को और गंभीरता के साथ यहाँ पे लागू किया जाए।